And I think we should all give a hand to Dr. Seema, जिन्होंने ये मोमबत्ती रोशन रखी है. I have seen her over the last decade or so. She has persistently, consistently, ardently, keenly strived to promote classical music in Islamabad at least. I honestly think we need more Dr. Seemas. We need a Dr. Seema in every province. We need one in every city. The problem is कि मौसीकार अपने आप को खुद नहीं प्रमोट कर सकता. ये मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, जाजी मेरा दोस्त है, जो वायलिन बजा गए हैं मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे दोस्त हैं. ये अपने आप को खुद नहीं प्रमोट करते हैं. इन प्रमोशन के लिए डॉक्टर सीमा की जरूरत होती है. इसलिए इस काम में मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूं कि मौसीकार हैज टुडे कम ऑफ एज. लेकिन एक अफसोस ये भी है, आपका शुक्रिया तो अदा करना ही होगा क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत से ये सुना है. लेकिन हम फिल्म देखते हैं तो 2000 का टिकट भी खरीद लेते हैं, पर हम मौसीकी मुफ्त सुनना चाहते हैं. हमें भी बदलना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा. आज की दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं है. अब कितनी देर तक, मेरा ख्याल है 25 या 30 साल तक तो मैं गुलाम अली, मेहदी हसन, फरीदा खानम को मुफ्त सुनाता रहा हूं. लेकिन यार लोग मुफ्ती सुनते रहे. अब ये भी बदलना होगा. और कहते हैं कि मेरा इरादा तो नहीं था बात करने का, चूंकि बातें बहुत हो चुकी और बहुत अच्छी बातें हुई. प्रोफेसर शाहबाज ने इतनी खूबसूरत तकरीर की, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. तो जो आज उस्ताद मोहम्मद अजमल ने कह डाला है वो दिल से निकला है. उनकी बातों को हमें बड़े गौर से सुनना चाहिए था और सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए. और हमारे ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, PNCA, लोक विरसा और पंजाब में और हर सूबे में ये इदारे हैं आर्ट के, इनको उनकी बातें रिकॉर्ड करके सुननी चाहिए. बड़े अफसोस की बात है. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ मसला यह है कि बागडोर जो है वो नालायक लोगों के हाथ में आ गई. मैंने वो दिन भी, इन गुनाहगार आंखों ने वो दिन भी देखा है जब फरीदा खानम जैसी फनकार को एक नौजवान टीवी का प्रोड्यूसर, कल का लड़का, उनको कहता है हमने सेट नहीं लगाया बैठ के गाने के लिए, आप खड़े होके मटक मटक के गजल सुनाएं. ये हकीकत है. टेक्नोलॉजी को समझना और उसको लेके चलना भी कोई आसान बात नहीं है. आज अगर इजाजत दें तो मैं एक मिथ तोड़ना चाहता हूं. और मेरा ख्याल है कि आज से बेहतर क्या ही दिन होगा इस मिथ को तोड़ने के लिए. ये एक मिथ हमारे खिलाफ हमारे दुश्मनों ने बना रखी है, जिसमें बदकिस्मती से हमारे अपने ही लोग भी यकीन रखना शुरू हो गए हैं कि इस्लाम मौसीकी के खिलाफ है. और मुसलमान जो उन्होंने मौसीकी मार डाली है, और पाकिस्तान में मौसीकी नहीं है. भाई अगर आप नहीं सुनते तो इसका यह मकसद नहीं कि नहीं है. आप देखें कराची भरा हुआ है, लाहौर भरा हुआ है, इस्लामाबाद जिसको मैं समझता था कि ये ब्यूरोक्रेट्स का शहर है, ये टैलेंट जो आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद का है. डॉक्टर सीमा को दाद दीजिए. इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इस्लामी बुजुर्ग ऐसे भी थे जो मौसीकी को हराम नहीं लेकिन मौसीकी को एक डिस्ट्रैक्शन जरूर समझते थे. जैसे लाहौर के दाता गंज बख्शे अली मखदम हजवेरी, बहुत बड़े ऊंचे बुजुर्ग हैं,
लेकिन सर कोई पीएचडी का स्टूडेंट अपनी डिसर्टेशन निकला हो तो उस वक्त उसको भी मौसीकी डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका यह मकसद नहीं है कि मौसीकी हराम है। बहुत से और बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं जो मौसीकी को सवारी समझते हैं, जो मौसीकी को रूह की गजा समझते हैं। एक नहीं मैं बीसियों का नाम ले देता हूं आपको, जो गरीब नवाज हैं उनसे लेके और जो दिल्ली के मशहूर मरूफ बुजुर्ग हैं और हमारे अपने पाक पतन वाले जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इन सब के यहाँ शाह लतीफ, सिंध में शाह लतीफ को देखिए और आप सेवन शरीफ में शहबाज कलंदर के मजार को देखिए, सब मौसीकी की बेहतरीन महफिलें इनके दरबारों पे होती हैं, मौसीकी और धमाल इनके यहां खेली जाती है। तो ये कहना एक तोहमत है कि मौसीकी इस्लाम मौसीकी के खिलाफ है, ना कभी था ना है। और दूसरी बात जो मिथ आज तोड़ देनी चाहिए वो ये है कि जी मुसलमानों का मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मुसलमान पाकिस्तान में मौसीकी मर गई है। आप देख रहे हैं मर गई है। जितने घराने हैं मौसीकी के बड़े वो मुसलमानों की ईजाद हैं। ग्वालियर घराना मुसलमानों की ईजाद, आगरा घराना मुसलमानों की ईजाद, किराना घराना मुसलमानों की ईजाद। इनके बड़े बड़े गायक जो वो आपको प्रोफेसर शाहबाज बताएंगे, मैं आपका वक्त नहीं जाया करना चाहता। दिल्ली घराना मुसलमानों की ईजाद, आज भी जिंदा है कराची में नसीरुद्दीन सामी दिल्ली घराने की गायकी गाते हैं। कानपुर घराना मुसलमानों की ईजाद, इंदौर घराना मुसलमानों की ईजाद, शाम चौरासी घराना नवा का सलामत वाला मुसलमानों की ईजाद, और तलवंडी घराना जो लाहौर में अब पता नहीं जिंदा है या चल बसे पहलवान थे, मुसलमानों की ईजाद। और पंजाब में तबला बजाने वालों के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज भी पंजाब में तबला घराना जो है ये माना जाता है हिंदू पाकिस्तान में। इसके बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें मियां कादर बख्श हैं, उसमें शौकत अली शौकत हुसैन हैं जो चल बसे, अब्दुल सत्तार थानी हैं जो मुल्क छोड़ के अमरीका में जा बसे, अफसोस की बात है। जो जाकिर हुसैन हैं जो हिंदुस्तान में बेहतरीन तबला नवाज माने जाते हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त हमारे यहाँ दो तबला नवाज तो आपने अभी देख लिए, काश कि आपको उस्ताद अजमल बजा के भी सुना। तो अर्ज ये है अगर हम मौसीकी के साज देख लें, देखिए मौसीकी के साज पहले होता था रिदम का साज, उसको कहते थे मृदंगम, ये हमारा लफ्ज है, ये हिंदुओं का लफ्ज है, ये संस्कृत से निकला, हमने उसको तब्दील कर दिया, हमने उसको काट के तबला बना दिया। मुसलमानों की ईजाद, तबला हिंदी लफ्ज है, संस्कृत का लफ्ज है, ये अरबी लफ्ज है, तबल से निकला। हिंदुओं का साज था विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, शुद्र वीणा, हमने उस साज को, उस सुनने में मुश्किल पड़ता था, डबल रिवर्बरेशन होती थी, हमने उसको इख्तरा के हमने उसकी सितार बना दी। सितार यानी तीन तार, जो बाद में सत तार हो गया, सात तार, ये मुसलमानों की ईजाद है, ये हमारा लफ्ज है सितार, रुद्र वीणा हमारा लफ्ज नहीं है। साजों के नामों से पता चलता है, आप खुद देख लें, हर साज के नाम से आपको पता चलेगा कि उस पर मुसलमानों की छाप है। और फिर लोग कहते हैं कि मुसलमान मुआशरा जो है मौसीकी को पसंद नहीं करता, उन्हें मौसीकी मार डाली है, ये मिथ है, इसको तोड़ देना चाहिए। आगे देखिए आप, शहनाई ये हमारा लफ्ज है, सारंगी सा सौ और रंगी नुआंसेस रंग, हमारा लफ्ज है, इसका संस्कृत कोई ताल्लुक नहीं है, हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ये साज उनको दिए हैं।
ये तमाम तर साज हमने दिए सरोद हमारा लोग से, हमने ये साज उनको दिया है, शहनाई हमारा लोग से, हमने ये साज उनको दिया है, और हमें वो कहते हैं कि आपने मसीह की मार डाली, तमाम तर घराने हमने दिए। और मैं बहुत सी बात, सबसे बड़ी बात, हिंदुओं का इजाद कर रहा था ध्रुपद, जिसको ध्रुपद या ध्रुपद कहते हैं, ध्रुपद राग जो था वो बंदिश में गाया जाता था, उसमें कोई इख्तरा नहीं थी की जाती, कोई इनोवेशन नहीं थी, कोई इमेजिनेशन नहीं थी, कोई गाने वाला उस्ताद उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता था, कोई अपना आप दिखा नहीं सकता, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। हमने उसको बदल दिया। आपको प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमने ख्याल, ख्याल हिंदी लफ्ज है, ख्याल संस्कृति लफ्ज है, हमारा लफ्ज है, हमने ख्याल के मौजूद हम है। ख्याल का मतलब है इमेजिनेशन, इनोवेशन। हमने मूसीकार को, बड़े उस्ताद को हक दिया कि वो इख्तराए, इनोवेट करे, आगे बढ़े। तमाम तर मूसीकी की डेवलपमेंट मुसलमानों की वजह से है, मुसलमान मौजूद हैं। और हमें ये कहा जाता है, मैं आज इस डेथ एनिवर्सरी पे इन्हीं की उम्र होने में तक, ये जो इतने बड़े फनकार थे और इन्होंने इतनी जिद्दोजहद की और इतनी मुश्किलों में इन्होंने गाया पाकिस्तान में, इनकी वसादत से मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी विरासत है, हम इसको भूल के बैठे हुए हैं, हमें इसको एक बार फिर रिवाइव करना है। हमें डॉक्टर सीमा जैसे प्रमोटर चाहिए, हमें मूसीकार जैसी तंजीमें चाहिए, और हमें ऐसे लोग चाहिए जो छोटी सी टिकट खरीद कर इन लोगों को सुनने के लिए तशरीफ लाए। और कहने को तो बहुत सी बातें हैं, अगर ख्याल ना होता तो घराने भी पैदा ना होते। ख्याल की वजह से मुख्तलिफ उसलूब, मुख्तलिफ अंग पैदा हो गए, मौसीकी में बहुत से रंग पैदा हो गए। हर घराने ने अपने सुर तो वही थे, सुर तो वही थे, राग तो वही था, लेकिन ख्याल की वजह से, इस इमेजिनेशन की वजह से हर घराने ने सुर मुख्तलिफ अंदाज से लगाना शुरू किए, अंग बदल गए, तो कितनी खूबसूरती पैदा हो गई। आज हिंदुस्तान में भी कोई ध्रुपद गाने वाले कम ही है, सब ख्याल गाते हैं और फिर कहते हैं लो जी मुसलमानों ने मूसीकी मार डाली। बहुत शुक्रिया, अपनी विरासत को संभालने के लिए कोशिश कीजिए, और डॉक्टर सीमा को बहुत दाद दीजिए।